गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और आज मैं एमए प्रीवियस का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, स्पेशली एमडीएस यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए। पेपर सेकंड है जो एमडीएस यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी में, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल वीडियो होने जा रहा है ये। और कैसे लर्न करना है, कैसे परसेंटेज बनानी है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले एमए प्रीवियस पेपर सेकंड ओनली फॉर एमडीएस और कोटा यूनिवर्सिटी का पेपर है। एमडीएस यूनिवर्सिटी में 64 रोमांटिक है। तो पहले तो सिलेबस देख लीजिए, यूनिट फर्स्ट पर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आएगा, यूनिट सेकंड में चौसर की कैंटावरी टेल्स और डन की द प्ली बाटर माई हार्ट कैनोनाइजेशन गुड मोरो अर्वेल्डिकेशन फॉर बिटिंग मॉर्निंग आएगी, मार्बल की टू इज पोएम स्ट्रेस, हर्बर्ट की द कोलर और एप्लीकेशन, और यूनिट थर्ड में मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, ड्राइडन का एप्सलोम एचिटोपेल है, पोप का रेपोक द लोक है, यूनिट फोर्थ में वर्ड्सवर्थ की ओटी मोडिलिटी है और कोलरिज की डिजिक्सन एन ओड और कुमला खान है, और यूनिट फोर्थ में शेली की ओड टू वेस्टविंड है, ओजमेंडस है, और किड्स की ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड टू ग्रेशन है। ये एमडीएस यूनिवर्सिटी का एमए प्रीवियस का सेकंड पेपर है। अब जो इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, यूनिट सेकंड में आप डन को लर्न कीजिए, डेफिनेटली डन में से आपके क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएगा इन पोएम में से, और इसको याद करने से आप एक्सप्लेनेशन भी कर पाओगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी कर पाओगे और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से डेफिनेटली आएगा। मार्बल पोएमों को लाइन टू लाइन पढ़ना है। मार्बल की टू इज पोएम स्ट्रेस अच्छी पोएम है, ज्यादा लंबी पोएम नहीं है, जिसमें वो अपनी प्रेमिका के लिए कहता है, इसीलिए इसमें लव और रोमांस को बताया गया है। तो आप इसको लाइन टू लाइन पढ़े और लव रोमांस और पेस्टोरली ब्यूटी को इसमें दिखाने की कोशिश करें। हर्बर्ट की कविताएं दोनों के दोनों रिलीजियस पोएम है और दोनों के दोनों सोनेट फॉर्म में लिखी गई कविताएं हैं। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आप बाइबलिज्म थ्योरी को भी बताएंगे इसमें, यूनिवर्सल ट्रूथ, बाइबलिज्म और यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाना न भूले हर्बर्ट की कविताओं में जब आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन करें। और इनको पढ़ने से डेफिनेटली मैं कह रहा हूं आपके एक्सप्लेनेशन भी मैच होगी और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। अब चलते हैं थर्ड पे, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जो रिलीजियस एपिक है, और ड्राइडन की एप्सिलॉन एचिटोपेल जो एक पॉलिटिकल सटायर है, और पोप की रेप ऑफ द लोग, तीनों अच्छी है। आप इन तीनों को लर्न कर सकते हैं क्योंकि तीनों के तीनों में थ्योरी जो है वो बहुत इजी है, जिसमें इसमें पैराडाइज लॉस्ट में तो लूसीफर के बारे में और मेफिस्टोफेल्स के बारे में बताते हैं, ईश्वर और राक्षसों के बीच में जो लड़ाई होती है उसके बारे में बताया गया है। एप्सलोम एचिटोपेल में किंग डेविड की कहानी, उसके बेटे एप्सलोम की एचिटोपेल की कहानी है। रेप ऑफ द जो लोग रहता है इसमें जो लेडी बेलिंडा रहती है उसकी चोटी काट दी जाती है लॉर्ड पिटर के द्वारा, तो इसमें पुहड़ता को दिखाया गया है। तो आप पोप में इसमें पुहड़ता को दिखाए, एप्सलोम एचिटोपेल में पॉलिटिकल सटायर को दिखाए, यूनिट फोर्थ में आप वर्ड्सवर्थ और कोलरिज, वैसे मैं चाहता हूं कि आप कोलरिज की एयर और डिजेक्शन और कुबला खान जो कविता है ज्यादा बड़ी नहीं है, दोनों कविताएं बड़ी नहीं है, सुपर नेचुरल एलिमेंट हॉरर फियर और पेस्टोरल ब्यूटी को दिखाना न बोले कुबला खान में। पेस्टोरल ब्यूटी में इसमें एल्प रिवर के बारे में आप बताइए जो पूरे उसको कवर करती है, और सुपर नेचुरल एलिमेंट में गिरते हुए पहाड़ से जो पत्थर है उनकी आवाजें और खाड़ी में गिरते हुए पानी की आवाज को बताइए आप इसमें। और लाइन टू लाइन पढ़िएगा, शेली की ओड टू वेस्टविंड 5 भागों में डिवाइडेड कविता है, आप इस कविता को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। किड्स की दोनों कविताएं अच्छी है, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड ऑन ग्रेशियन अर्थ, ग्रेशियन अर्थ 5 भागों में बटी हुई है। इसमें भी जो पर्सोनिफिकेशन इसमें इस पर मानवीकरण किया गया है ग्रेशियन अर्थ के मार्बल्स का, तो आप पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हुए इसे पढ़े। और ओड टू ऑटम में पेस्टोरल ब्यूटी को बताया गया है, जिसमें वो बताया गया है कि पतझड़ जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे दिखाई देती है, फिर वह एक किसान की औरत के रूप में इसको चरितार्थ करता है, फिर वो ये बताता है कि ओटम में जो फल होते हैं वो पक जाते हैं, तो इसमें बसंत को ओटम की एक सगी बहन के रूप में चरितार्थ किया गया। तो जब आप इसे बताए तो इमोर्टल ब्यूटी को, पेस्टोरल ब्यूटी को और ओटम और स्प्रिंग के रिलेशनशिप को जरूर बताए। लाइन टू लाइन पढ़ना है, ग्रेशियन अर्न और ओड टू ऑटम में 101% क्वेश्चन आएगा, शेली की ओड टू वेस्टविंड 101% आएगी और कोलरिज की कुबला खान 101% आएगी। तो ये एमडीएस यूनिवर्सिटी का फर्स्ट पेपर है, जैसे जैसे मैंने बताया है लाइन टू लाइन पोएम्स को पढ़ना है, केवल आपको थर्ड सेक्शन जो है वो ये लाइन टू लाइन पढ़ने का नहीं है, लेकिन और बाकी में सब में पोएट्री है, लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो फायदा होगा और आपकी जो परसेंटेज है वो जरूर बाउंस करेगी। अब चलते हैं कोटा यूनिवर्सिटी का, चौसर टू बेन जॉनसन। देखो चौसर की कैंटरबरी टेल्स है, जिसमें पूरी कहानियां द प्लोमैन की, मिलर किन की कहानियां हैं,
आप इसे लर्न करें और स्पेन सबकी द फेरिपिन, मैं फेरिपिन से बेटर चौसर का कैंटरबरी टेस्ट देना चाहूंगा। शेक्सपियर का किंग लियर भी है और टेम्पेस्ट भी है। किंग लियर एक ट्रेजेडी प्ले है जिसमें किंग लियर है, दो प्लॉट है इसके, किंग लियर के और अर्ल ऑफ ग्लौस्टर के। किंग लियर के तीन बेटियां हैं, गोंद्रिल, रिगन, कोडिलिया, उधर ग्लौस्टर के दो बेटे हैं, एडगर और क्या नाम है, एडगर और एडमंड, ये दो बेटे हैं इसके। इसमें पूरी तरह से ट्रेजेडी को बताया गया है किंग लियर में। और टेम्पेस्ट में जो है वो प्रोस्पेरो की कहानी है और फर्डिनेंड की कहानी है, उसकी बेटी बेलिंडा की प्रेम कहानी है। तो आप इसे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें ट्रेजेडी को जरूर दिखाएंगे और इसमें लव और रोमांस के साथ ट्रेजेडी, चिटिंग और गैम्बलिंग को जरूर दर्शाएंगे। टेम्पेस्ट के दोनों प्ले बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर फास्टस मार्लो का याद करना है, कोटा यूनिवर्सिटी के बच्चे शेक्सपियर और मार्लो को याद करना न भूले। डॉक्टर फास्टस में को एक ओवर एम्बिशियस कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है जो लूसीफर के चक्कर में आ जाता है और वो लूसीफर को अपनी आत्मा बेच देता है और किस प्रकार वह लूसीफर के कहने पर जो है वो बुरे कामों में चला जाता है, किस प्रकार वो अंत में ईश्वर को याद करता है, बहुत अच्छी कहानी है। और बेकन और डन, बेकन और डन को याद करना न भूले। कोटा यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बेकन और डन एक मील का पत्थर साबित होगी परसेंटेज बनाने में। डन की सारी रोमांटिक कविताएं हैं, चाहे वो सनराइजिंग है, वो एस्टेसी हो, बेटर माय हार्ट हो, दफली हो, करुणाइजेशन है, और सभी की सभी पोएमों को आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ताकि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन आप कर सके। और बेकन का ऑफ ट्रूथ ऑफ रिवेंज सारे सोशल ऐसे हैं, बेकन को फादर ऑफ ऐसे कहा जाता है। तो आप इनको लाइन टू लाइन पढ़कर के आंसर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कोटा यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए डन, बेकन, मार्लो और शेक्सपियर और चौसर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं में से 101% नहीं 201% आपके क्वेश्चन आएगा और आपको बेटर फायदा होगा अगर आप पोएट्रीज को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो। और पॉइंट बना करके सीरीजों का और पासबुकों का इनका प्रयोग न करें, इनका लाइन टू लाइन पढ़े, पॉइंट खुद बनाए और लिटरेरी थ्योरी लिखने की कोशिश करें। तो इस तरह से एमडीएस के छात्रों के लिए, कोटा यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए, जैसे मैंने बताया अगर वो वैसा करेंगे तो उनको परसेंटेज में जरूर फायदा होगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आप पासबुक व सीरीज उसे न पढ़े, खुद थ्योरी को पढ़े, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर ले और खुद लिखने की कोशिश करें, 10 से 12 पॉइंट बनाए, पॉइंट में भी पॉइंट बनाए, इस तरह से आप उसके आंसर लिखे। बिना पॉइंटों की तरह वहां दलिया बना के नहीं आना है, लिटरेरी थ्योरी के साथ लिखना है। और जिन छात्र छात्राओं के पास भी मैटर नहीं है वो यहां से हमारे से प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें मैं प्रिंटेड और क्लास हैंड रिटन नोट्स दूंगा जो मिनिमम फीस पे उन्हें यहां से मिल जाएंगे, जिनको मैं टिल एग्जाम तक भी गाइड करूंगा, उन्हें मैं बताता रहूंगा किसी भी थ्योरी को लेकर के अगर दिक्कत आएगी तो। तो मेरे फोन नंबर है 9928669902 और 8963043837। थैंक यू।